इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस को लेकर दाखिल पुनर्निरीक्षण याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 नवंबर तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवशंकर प्रसाद की खंडपीठ ने आफसा अंसारी की याचिका पर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने देरी से दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मेरिट पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था, जिस पर याचिका की सुनवाई की तिथि तय की गई है। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका में मांग की गई है। मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार इस वक्त कानूनी शिकंजे में फंसा है। मुख्तार बांदा जेल में बंद है, जबकि उसके बेटे विधायक अब्बास अंसारी तथा साले आतिफ रजा को ईडी प्रयागराज यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया है। उन दोनों से धन के अवैध लेन देन पर पूछताछ की जा रही है।